हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं प्रेम भाटिया आपका स्वागत करता हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोविड-19 या कोरोना या कोई वायरस का सैंपल लेने के लिए क्या क्या सामग्री आवश्यक होती है और सैंपल किस प्रकार से लेते हैं और उसकी पैकिंग किस प्रकार से होती है, तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। इसे अंत तक देखिएगा और सारी जानकारी लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो वायरस को कलेक्ट करने के लिए क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। वायरस को कलेक्ट करने के लिए जो ट्यूब यूज़ में ली जाती है उसको बोलते हैं VTM, यानी कि वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया। और इसमें जो आप लिक्विड देख रहे हैं वो उसमें कई सारी सामग्री है, जैसे आइसोट्रॉनिक सॉल्यूशन है जिसमें फॉस्फेट बफर है, और दूसरा है बोविन सीरम एल्बुमिन, ये वायरस के स्टेबलाइजिंग के लिए होता है। तीसरा है pH इंडिकेटर, इसमें फिनोल रेड के रूप में देख रहे हैं, तो अगर इसमें भी कोई भी कलर चेंजेस देखने को मिलता है तो वो pH सही नहीं होने के कारण होता है। तो अगर इस जो वाइल है उसका अगर कलर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिला है तो आपको यूज़ में नहीं लेना है। इसके साथ ही इसमें होती है एंटीबायोटिक, जैसे वेंकोमाइसिन या दूसरी जो जेंटामाइसिन है, इस प्रकार की एंटीबायोटिक होती है ताकि इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो सके, और एंटी फंगल जैसे एम्पीट्रेसिन ये भी इसमें पाया जाता है। तो ये सारी सामग्री इस जो लिक्विड देख रहे हैं उसमें पाया जाता है। दूसरी सामग्री जो कलेक्शन के लिए इसके साथ आती है या फिर अलग से अवेलेबल हो सकती है, जैसे इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो दो स्टिक्स है वो आप इसके साथ देख रहे हैं, और कुछ जो वाइल आती है वो इसके बिना भी आती है, अर्थात स्टिक्स आपको अलग से लेनी होती है और वाइल होती है वो आपको अलग से लेनी होती है। जैसे ये देखते हैं, ये स्टिक्स की पैकिंग एक प्रकार से अलग से है और वायल के साथ नहीं आती है। वायल की कीमत देख रहे हैं, इसकी अलग अलग कीमत हो सकती है, 100 रुपये से स्टार्ट लेके अच्छी क्वालिटी की वायल को अधिक पैसे आपको देने पड़ सकते हैं। अब हम थोड़ा इस स्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। ये जो पैकिंग है इसके साथ जो ये स्टिक्स आई हुई है वो अपने पास ये अवेलेबल है। वायल के साथ ये स्टिक्स अवेलेबल होती है, दो स्टिक्स होती है, एक तो नेजल सैंपल के लिए और दूसरा है थ्रोट स्वाब के लिए, ठीक है। और जब आप सैंपल कलेक्ट करते हैं तो अपने पास जो ट्यूब होती है वो छोटी है और इसमें प्रॉपर ये नहीं आ पाएगी पूरी। अगर वायल लंबी होती है तो इसको आप पूरा डाल सकते हैं, किंतु ये वायल छोटी है तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो तोड़ने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप जो भी सैंपल है उसको कलेक्ट करके इसको आप इसमें ट्यूब में डाल दीजिए पूरा, और फिर यहाँ से मोड़ लीजिए 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये आसानी से टूट जाएगी, तो ये आसानी से टूट जाती है, थोड़ा सा मोड़ देने पे ये टूट जाती है, इस प्रकार से बड़ी आसानी से टूट जाती है। अब आप इस स्टिक्स को देखिए, ये इसमें दो स्वाब है, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो इसमें तोड़ने में प्रॉब्लम होगी। तो इसकी जो पैकिंग होती है, जैसे आप यहाँ से तोड़ने की कोशिश कीजिए, ये पूरी मुड़ गई है लेकिन टूट नहीं रही है। जब आप इसको यहाँ से स्मूथली टच करेंगे तो यहाँ एक आपको कुछ एक मार्क की तरह दिख जाएगा जहाँ से आपको इसको ब्रेक करना है, किंतु जब आपको PPE किट पहने हुए होते हैं तब आपको इसको, या जो शील्ड पहनी हुई होती है फेस शील्ड, उसमें आप इसको नहीं देख पाते हैं, तो आप महसूस करके इसको तोड़ सकते हैं। और अगर आप यहाँ से भी तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं टूट पाएगी, इसका एक जो निश्चित सिरा है वहीं से ये टूट पाएगी। ये देखिए, ये आसानी से टूट गई और इजीली टूट गई। तो आपको इस सिरे को आपको अच्छी तरीके से पहचानना है। इसी तरीके से आप इसको भी देखिए, अगर मैं इसको सही जगह पर तोड़ना चाहूँ तो ये आप मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, तो यहाँ से मैं अगर बड़ी आसानी से इसको तोड़ सकता हूँ, ये आसानी से टूट गई, ठीक है। और ये जो सिरा होता है तोड़ के वायल में डालना पड़ता है। Thank you.
कलेक्टिंग मटेरियल के बारे में जानने और सैंपल लेने के बाद हमारे पास एक और काम बचता है, वो है सैंपल के पैकेजिंग का। तो सबसे पहले हमें जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, गौज है या फिर जो टिश्यू पेपर है, उसकी सहायता से आप इसको जो कवर करेंगे वाइल को, अच्छी तरीके से वाइल को कवर करेंगे और फिर इसको हम टैप कर लेंगे ताकि जो मटेरियल है वो बाहर न आ पाए, और इसको हम टैप से कवर कर लेंगे। तीसरी जो पॉलीथीन है उसमें इसका ये सब मेंशन होना चाहिए। इसमें आप देख रहे हैं इसकी SRF ID है, नाम इसका अशोक कुमार है, फ़ोन नंबर मेंशन है और जहाँ पे लैब भेजा जा रहा है, और ये जो डिटेल है आप वहाँ से जो फॉर्म है इस प्रकार का वो आप ICMR जो वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी जो पर्ची है वो बना सकते हैं, और ये जो थर्ड पॉलीथीन है उसमें आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से जिप को लॉक कर लेंगे। तो ये अपना सैंपल पैकिंग हो चुका है, ठीक है, और ये इसका सैंपल है। अब हमें इसको कोल्ड चेन में डालना है। ये जो सैंपल पैकिंग की है उसको हमें एक कोल्ड चेन में रखना पड़ेगा ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। तो पहले हम देख लेते हैं इसका जो टेम्परेचर है वो सही है या नहीं है इस कोल्ड चेन का, या जो आइस पैक है वो वर्किंग में है या नहीं है। तो जब आप इसका टेम्परेचर देख रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है, 0 से 8 डिग्री के बीच टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसका जो टेम्परेचर शो कर रहा है कम से कम 4 या 5 डिग्री इसका टेम्परेचर है। जो वाइल है पैकिंग वाली उसको हम इसमें रख लेंगे, और ये जो थर्मामीटर है उसके साथ रखेंगे ताकि जो समय समय पर हम टेम्परेचर इसका चेक करते रहें, और फिर इसको अच्छी तरीके से पैक कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।